दोस्तों आज हम देखेंगे कि एक चूज़ा बाहर आ गया है हमारा और दूसरा चूज़ा एग में से बाहर नहीं आ रहा। कमज़ोर होने की वजह से ये एग से बाहर नहीं आ सका, तो आज हम इसकी हेल्प करेंगे। ये देखें, ये ज़िंदा है इसके अंदर, लेकिन ये शेल में से बाहर नहीं आ रहा। शेल इसका खुश्क हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि ये भी बाहर नहीं आ रहा। तो हम इसका शेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका ब्रेक करेंगे, ताकि इसकी ये हम हेल्प आउट कर दें, ताकि ये बाहर आ जाए, क्योंकि शायद ये वीक था थोड़ा सा। बाज़ का ये होता है कि चूज़े जो हैं एग में वीक हो जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, तो इनकी हेल्प आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इसकी हेल्प आउट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये हो सकता है यहीं पे एक्सपायर हो जाए। तो इस तरीके से आप इसका शेल जो है उसको थोड़ा 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 करके जो है वो तोड़ दें, तो ये चूज़ा जो है, ताकि इसको आसानी रहे शेल में से बाहर आने की। ये देखें, ये वैसे ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन शेल में से बाहर नहीं आया, ये कमज़ोर रह गया था शायद। तो ये ध्यान रखना पड़ता है इनका कि यार अगर कोई इस तरह का मामला बन गया है तो उसको भी देखना है। ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। इसमें याद ये रखना है कि इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना और जल्दी नहीं करनी इसमें, कि जी फौरी तौर पे इसको पकड़ें और निकाल दें और ये बाहर आ जाए, क्योंकि ये बारीक सी झिल्ली होती है। ये देखें, ये चिपकी होती है इसके साथ, इसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक ने ऐसी कुदरतें दी हैं इनमें एग में, कि ये देखें अब ये काफ़ी हद तक बाहर आ गया। अभी हम देखेंगे कि अगर इसकी कुछ सारी साइड्स जुड़ी हुई नहीं है तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखें, ये बड़ी ही आसानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से, ये बड़े नाजुक से तो होते हैं। ये देखें, अब इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उतनी देर में जो इसकी माँ है वो इसके ऊपर बैठेगी, इसको हीट देगी और ये फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये देखें, पूरा चूज़ा बाहर आ गया और माशाल्लाह से ये ज़िंदा है। इसका ये दूसरा भाई पहले आ गया था, इसको इसके वालदैन ने हवा भर के इसके अंदर इसके पोटे में थोड़ा सा इसको सही कर लिया हुआ, लेकिन अभी इसकी बारी है, इसको हम बिल्कुल इसके साथ ही रख देंगे और इसको इस पोजीशन में रखेंगे, ताकि इसके पेरेंट्स जो हैं वो आसानी से इसको खुराक खिला दें। यूँ ही ये थोड़े से घंटे गुजरेंगे ये सही हो जाएगा बिल्कुल शाम तक। अभी दोपहर का टाइम है, शाम तक ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें ये चीज़ सामने आई थी, मैंने कहा चलें यार दोस्तों से शेयर कर देते हैं।